नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की परीक्षा कल से प्रारंभ हो रही है और आप सभी अभ्यर्थियों को, सारे भाई बहनों को आपके इस परीक्षा के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आपने पिछले 6-7 महीने में लगातार मेहनत की है, चाहे वो आपका पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का पहला पेपर हो या फिर एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद री एग्ज़ाम का पेपर हो। आप लगातार पिछले 7-8 महीने से केवल एक उद्देश्य से पढ़ते हुए आ रहे हो कि आपकी वर्दी आपके तन पे होनी चाहिए और इस मेहनत को अंजाम देने का वक्त आ गया है और पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आते हैं ऑल द बेस्ट के साथ साथ सबसे बड़ी बात क्या है कि लास्ट टाइम आपका टिप क्या होना चाहिए, क्या आपका जो मेन महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं किनका ध्यान देना चाहिए, इसे हम लोग एक बार जल्दी से समझ लेते हैं कि अगर आप पेपर में यकीनन सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इन तमाम बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। बहुत सारे बच्चे टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछते रहते हैं, हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर का लेवल क्या रहेगा इसके बारे में सेशन में चर्चा करेंगे। ओएमआर कब भरे और कैसे भरे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट में ओएमआर भरते हैं, गलतियां करते हैं। साथ में सेफ स्कोर आपका क्या होगा, कितना हम लोग प्रोजेक्टेड स्कोर लेके चले, पेपर हल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, किस तरीके से हमारा पेपर हल किया जाएगा, क्या लेकर जाना होगा और सबसे बड़ी बात है कि आधार केवाईसी क्या होगा। इन सारे बिंदुओं को हम लोग यहां पे समझेंगे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए। अगर आपको सफलता अर्जित करनी है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि पेपर के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट समझिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टेम्परामेंट अपना मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मैं एक चीज हमेशा आपको बोलता हूं, जब आप पेपर देने जाओ तो अपना माइंड को सबसे पहले कूल रखो। आप अपने आप से ये बात बोलो कि भाई अब आपका दिन है, अब आपका समय है, आपने जो पिछले 7-8 महीने 1 साल से मेहनत किया है उसको अंजाम देने का समय है। और अगर आपको ये वर्दी नहीं मिली तो किसी को नहीं मिली, क्योंकि आप इसके प्रबल दावेदार हो। सबसे ज्यादा डिजर्व करता है तो कोई है वो आप हो और आपने इसके लिए मेहनत किया है। तो भाई टाइम मैनेजमेंट यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं। मैंने देखा है कि जो बच्चे थोड़ा सा क्या होता है ना, टाइम टेम्परामेंट भी स्ट्रांग नहीं रहता है तो एग्जाम में पेपर को क्या देखते हैं, पेपर कठिन प्रश्नों को देख के, या बोल सकते हो कि ऐसे प्रश्न जिनको नहीं आते उन्हें देख के उनका क्या होता है, उनका दिमाग खराब हो जाता है, या ऐसा कह सकते हो कि उनके सोचने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, घबरा जाते हैं बच्चे। और ऐसा क्या होता है, ऐसा टाइम मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा फर्क डालता है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको स्ट्रांग रखना है तो सबसे पहले ये आपका जो मेंटल स्टेटस है, जो आपका मानसिक संतुलन है, वो बहुत बेहतरीन बना के रखना है, बहुत कूल टेम्परामेंट रहना है। ये मान के चलेगा कि पेपर में सारे ही प्रश्न आपके क्या होते हैं, आसान नहीं होते, और सारे ही प्रश्न कठिन नहीं होते, सारे प्रश्न मॉडरेट नहीं होते। कोई भी अगर पेपर होता है तो पेपर का एक चीज देखिएगा कि अगर पेपर 100% मान लिया जाए, 150 क्वेश्चन ले लिया जाए, तो आपके में 90 क्वेश्चन लगभग आसान रहने वाले हैं, मॉडरेट की संख्या लगभग 45 रहने वाली है जो 30% के आसपास होती है, और हार्ड क्वेश्चन केवल 10% होते हैं। सिलेक्शन आपका मात्र इन्हीं इजी और मॉडरेट प्रश्नों को कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जोड़ लोगे तो 9, 4, 13 135 प्रश्न हो जाएंगे, 270 नंबर आप पा जाओगे। और अगर 270 नंबर आप पा जाते हो तो आप टॉपर लिस्ट में आ जाओगे, आप एग्जाम क्वालिफाई करने की बात छोड़ो। लेकिन यह बात भी तय है कि 100% कोई बच्चा एक्यूरेट नहीं करता है, हर बच्चे की एक्यूरेसी कम से कम 10% तो गलत होती है, लेकिन सिलेक्शन लेने वाला बच्चा अपना एक्यूरेसी 80% से 90% के बीच में लाता है। अगर आप इसे 90% भी लेके चलते हो तो 90% मतलब 120 के आसपास आपका क्या होगा, 120 के आसपास प्रश्न सही होगा, और 240 नंबर अगर आपके आते हैं तो आपका सिलेक्शन का सबसे ज्यादा चांस होगा, और ये आप इजी और मॉडरेट वाले प्रश्न के बदौलत केवल ला सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट आपको इसी चीज को दिमाग में रखते हुए करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि कौन सा सेक्शन पहले करें। ये बात तब आती है जब आपका पेपर सेक्शन वाइज आए। ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेपर सेक्शन वाइज ना आए, पूरे क्वेश्चन सफल्ड हो, एक साथ हो, 150 क्वेश्चन में, कहीं आपको हिंदी मिले, कहीं आपको मैथ्स मिले, कहीं आपको रीजनिंग मिले, ऐसे तमाम आपके पूरे के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। और यह भी मत भूलिए कि इस बार पेपर आपका 10 शिफ्ट में है तो सफलिंग के चांसेस ज्यादा भी हैं। तो इस कारण से पहली बात तो आपको टोटल जो देखा जाए तो हिंदी के 37, जीएस के 38 और मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के 38 क्वेश्चन, रीजनिंग के आपके 37 क्वेश्चन आने हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या हम किसी सेक्शन को समय निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपके पेपर में सेक्शन वाइज आता है तब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदी करेंगे, दूसरे नंबर पे जीएस करेंगे, तीसरे नंबर पे आप रीजनिंग वाला सेक्शन करेंगे, और चौथे नंबर पे आप क्या करेंगे, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन करेंगे। आपको सेक्शन करने का क्या होगा, तरीका यह होगा, और इनके द्वारा जो निर्धारित समय, हिंदी के लिए 20 मिनट, जीएस के लिए 15 मिनट, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के लिए 35 मिनट और रीजनिंग के लिए 40 मिनट, इन सबको जोड़ेंगे तो टोटल 110 मिनट हो जाएगा। जो 10 मिनट आपका बच रहा है, इस 10 मिनट में आपको क्या करना होगा, इस 10 मिनट में आपको ओएमआर भरना होगा, साथ में वहां पे जब ओएमआर में साइन, पेपर में साइन, तमाम चीजें इनविजिलेटर लोग कराते रहते हैं, वो भी आपका इसी में समय जाएगा। तो 10 मिनट आप एक्स्ट्रा लेके चलो, 110 मिनट
में आपको पेपर करना है, 120 मिनट लेके मत चलो। अब रही बात अगर सेक्शन वाइज होता है तब तो हमारे लिए काफी आसान हो जाता है टाइम मैनेजमेंट, सेक्शन वाइज नहीं रहता है तो हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। अगर सेक्शन वाइज रहता है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे। सेक्शन वाइज में आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है पेपर हल करने का ये होता है आपका थ्री राउंड ट्रिक। थ्री राउंड ट्रिक में मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी पेपर को आप वन गो में मत करो, पेपर को आप तीन टुकड़ों में तोड़ो। तीन टुकड़ों में जैसे मैंने आपको बोला ना कि इजी मॉडरेट और हार्ड, तो आप इजी मतलब वो हो गया कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आपको आता है। जैसे हिंदी और जीएस में कोई भी क्वेश्चन कठिन या आसान नहीं होता, हिंदी या जीएस में जो क्वेश्चन आपको आता है वो आसान है, जो नहीं आता है वो कठिन है। तो बस इसी आधार पर आप उन प्रश्नों को पहले फर्स्ट राउंड में करो जिन प्रश्नों का उत्तर आपको 100% आता है, जिनके एक भी ऑप्शन में आपको डाउट नहीं है, आप क्रिस्टल क्लियर हैं इसके उत्तर यही होगा। आप ऐसे प्रश्नों को करोगे तो हिंदी में आप 15 मिनट दो, ऐसे ही जीएस में आप 10 मिनट दो, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग वाला पार्ट है इसमें 20 मिनट दो, और रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि में आप 25 मिनट दो, और आपका करने का क्रम पहला, दूसरा आपका तीसरा रीजनिंग का होना चाहिए और चौथा आपका मैथ होना चाहिए। हालांकि मैथ की संख्या मात्र 18 से 19 होगा क्वेश्चन, और अगर 18-19 क्वेश्चन है बहुत कठिन भी नहीं होगा तो आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन शुरुआत के क्वेश्चन आप हिंदी और जीएस के ही चूज करो। हिंदी और जीएस के चूज करने से फायदा यह हो जाता है कि आप देखो यहां पर जब आप कितना दे दोगे, आप केवल 25 मिनट पेपर को दे दोगे तो 25 मिनट में आपके लगभग इजी वाले 90 क्वेश्चन के इन दो सेक्शन के हो जाएंगे। मतलब कि आप ये बोल सकते हो लगभग इन दोनों में मिला के मोर देन पेपर का 50% से पेपर का 50% से ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, मतलब इन सेक्शन के 80-90% से ज्यादा और ओवरऑल पेपर का 50% हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हो कि 75 क्वेश्चन आप कर ले जाओगे। 75 क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि इजी वाले अगर आपको सब आ रहे होंगे तो 75 में से कम नहीं तो आप 65 प्लस क्वेश्चन आप यहां पे क्या करके आओगे, 65 प्लस क्वेश्चन आपके 25 मिनट में हो जाएंगे। तो 25 मिनट में आपके 65 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे, अब ज्यादा क्वेश्चन आपके पास बचे नहीं है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। और आपके पास समय अभी भी 1.5 घंटे से ज्यादा समय बचा हुआ है, तो यह आपको मेंटली थोड़ा स्ट्रांग बनाएगा, आपको वहां पर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, और आपके पास एक्स्ट्रा समय यहां पर मैथ्स और रीजनिंग के लिए इसे आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें एक पार्ट है आपका मानसिक अभिरुचि, और इसके लिए जितना आपको इत्मीनान से समय मिलेगा उतनी ही एक्यूरेसी इस पार्ट की बढ़ती जाएगी। मानसिक अभिरुचि से बच्चे अभी तक डरते आ रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा कि इस सब्जेक्ट से आपको डरना नहीं है, वो पार्ट है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग को कूल करके आप इसका उत्तर दोगे तो इसमें अगर 12-13 जो भी प्रश्न आते हैं मोर देन 10 क्वेश्चन आपके इसमें सही होंगे, उसमें कोई भी ज्ञान की जरूरत नहीं है, केवल आपके अपने बुद्धि विवेक की बैलेंस तरीके से इसे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपके स्कोर बढ़ जाएंगे। तो यह सेक्शन भी आपका समय कम ले जाएगा, लेकिन क्वेश्चन कई बार लेंदी होते हैं तो पढ़ने में समय आपका जाता है। अब आपके दो सेक्शन बचे मैथ्स और रीजनिंग वाले, तो मैथ्स और मेंटल एबिलिटी वाले में 20 मिनट दो और वही क्वेश्चन करो जिन्हें आप बिल्कुल श्योर हो, या जिन्हें लगाने में आपका मुश्किल से 15 से 20 सेकंड जाए, हार्डली 25 से 30 सेकंड जाए, इससे ज्यादा समय मत दो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में इससे ज्यादा समय लग रहा है, जैसे कोई DI का क्वेश्चन हो गया, या फिर आप रीजनिंग में स्टेटमेंट अजम्पशन का क्वेश्चन हो गया, या रीजनिंग में कोई पजल हो गया, या कोई सीरीज फंसा हुआ है जिसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका अगला टर्म क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन को आप तुरंत स्किप कर दो, क्योंकि पेपर में आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। सबसे गंदी जो बात होती है हमारे दिमाग में होती है क्वेश्चन से इमोशनली अटैच होना। एक बात समझना, 150 प्रश्न है, 150 में के 150 प्रश्न इक्वल हैं, सभी के लिए 2 अंक हैं और नेगेटिव के लिए 1/4 अंक हैं। कोई क्वेश्चन आपके लिए सगा नहीं है, कोई आपको क्या है, कोई आपका यहां पे वफा और बेवफाई वाला कोई बात नहीं है। आप लोग क्या करते हो कि जैसे आपके सामने कोई प्रश्न होता है तो आप लोग उसे पढ़ते रहते हो, आपके दिमाग में अरे ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं लग रहा है, ये तो मैं करके आया था, इसे मैं करूंगा, और ऐसा करने में आप पहले अपना 2 मिनट बर्बाद करते हो, फिर उसे दोबारा प्रयास करते हो 1 मिनट और बर्बाद करते हो, और ऐसे करने में एक प्रश्न के पीछे आप 3 से 4 मिनट बर्बाद करते हो। आप सोचो कि उस 3 से 4 मिनट में आपके आधा जीएस हो जाते, आपका 1/3 आपकी हिंदी हो जाती, और आपने कितना ज्यादा क्वेश्चन को बर्बाद किया, कितना समय को बर्बाद किया है। तो यहां पर इमोशनली अटैचमेंट से बिल्कुल दूर रहेंगे। पेपर में अगर आपका क्वेश्चन नहीं लग रहा है, भाड़ में जाए तुरंत स्किप करो, उसे हम लोग 2nd राउंड में डालेंगे, 3rd राउंड में डालेंगे। तो 1st राउंड में आप ऐसे 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट दोगे, ऐसे में लगभग आपके 75 क्वेश्चन में से मोर देन 65 प्रश्न हो जाएंगे, और आपकी एक्यूरेसी भी इस पे अच्छी रहेगी, क्योंकि ये वही प्रश्न आपने किया है जो आपको 100% आते हैं, और आपका एक ठीक ठाक पेपर अटेम्प्ट भी हो गया है। ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट समय निकालेंगे, और 5 मिनट समय निकालने के बाद हम इसमें इस 5 मिनट में क्या करेंगे, अपना OMR भरेंगे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि पहले पूरा क्या करते हैं, पूरा पेपर टिक लगा लेते हैं और उसके बाद OMR को सबसे लास्ट में भरते हैं। OMR को सबसे लास्ट में भरने के दो सबसे गलत तरीके, दो
सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस होता है, पहला क्या होता है कि कई बार जब बच्चा क्या होता है ओएमआर भर रहा होता है, तो ओएमआर में क्या होता है, ओएमआर में ऐसे आपकी लाइनें बनी होती है, ऐसे क्या होती है, ऐसे आपका ओएमआर में अलग अलग कॉलम होता है, ऐसे अलग अलग क्या होता है, अलग अलग कॉलम होता है। तो अलग अलग कॉलम में सपोज करो कि कोई बच्चा सपोज करो कि यहाँ पे 31वें का भरना था, लेकिन गलती से 31वें की जगह 32 भर देगा, तो अब यहाँ पे 32 पे 33 का भरेगा, 33 पे 34 का भरेगा, ऐसे पूरी लाइन आपकी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो कभी भी वन गो में आपको ओएमआर भरना सही तरीका नहीं होता, इसलिए आप क्या करोगे, पहले आप राउंड रन करोगे और बहुत इत्मीनान से बहुत सावधानी से ओएमआर भरोगे कि कितना भी आप सॉल्व कर लो ओएमआर गलत भर दोगे तो आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो 5 मिनट अगर इसके समय निकालेंगे, अब आप देखो आपके पास टोटल कितना समय हो गया, 25 और 15 अगर आप जोड़ोगे तो 40 मिनट हो गया, 40 30 70 मिनट हो गया, 75 मिनट में आप लगभग पेपर का कितना कर गए, लगभग पेपर के आप इजी वाले सारे क्वेश्चन और कुछ मॉडरेट वाले भी कर गए, मतलब अगर इन दोनों को मिला लिया जाए तो कम से कम आप 110 प्रश्न आप 75 मिनट में कर गए हो। अब आप कहां आओगे, अब आप सेकंड राउंड में आओगे, अब सेकंड राउंड में वो वाले क्वेश्चन हैं जो 50-50 हैं, 50-50 मतलब आपने उन ऑप्शन को छोड़ दिया था, उन क्वेश्चन को छोड़ दिया था जिनके दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए थे और दो ऑप्शन में आप फंसे थे कि इसका उत्तर क्या होगा इसका, या फिर एक ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए थे, तीन आपको विकल्प में क्लियर नहीं हो रहा था कि इसका उत्तर क्या लगाया जाए, तो ऐसे को आपको सेकंड राउंड में करना है। हिंदी को अब केवल 5 मिनट दोगे, जीएस को 5 मिनट दोगे, मैथ्स और मेंटल एबिलिटी को ऐसे 10 मिनट दोगे और रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि को फिर से 10 मिनट दोगे, और ऐसा देने के बाद आपका 20-30 मिनट आपका निकल जाएगा, और इस 30 मिनट के बाद अब आप क्या करोगे ओएमआर फिल कर दोगे, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आपका फिर से 33 मिनट में आप क्या कर दोगे, 33 मिनट में अब आप अपना क्या कर दोगे पेपर यहां पे इसे ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट हो गया और ओएमआर भी आपका क्या हो गया यहां पे कंप्लीट हो गया। अब आता है थर्ड राउंड, थर्ड राउंड में वो प्रश्न होंगे जहां पे आप बिल्कुल ब्लाइंड हो, जो इनका क्वेश्चन आपको नहीं लगा है, या मैथ और रीजनिंग के ऐसे प्रश्न है जहां पे आपको प्रश्न तो उसका कॉन्सेप्ट तो पता है लेकिन कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आपने उसे स्किप कर दिया था, या फिर आपका वो काफी लेंदी था, जैसे डीआई के प्रश्न है जो पता है कि हम समय दे देंगे तो हमारा निश्चित उत्तर आ जाएगा। एक बात ध्यान देना, थर्ड राउंड के लिए आप हिंदी और जीएस के प्रश्न को मत रखना, आप हिंदी और जीएस के प्रश्न को सेकंड राउंड में समाप्त कर देना। थर्ड राउंड में आपके पास केवल मैथ और रीजनिंग के होने चाहिए और 5 मिनट आप मैथ्स को दो, 5 मिनट आप रीजनिंग के प्रश्नों को दो, कुल मिला के लास्ट के 10 मिनट आप रखो इस थर्ड राउंड के लिए, और इसमें भी आप उन प्रश्नों को करो, सबसे पहले उन प्रश्नों को करो जिनको लगता है कि थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा समय देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। मैं कह रहा हूं ऐसे 3-4 प्रश्न भी कर लिए तो आपके 8 से 10 नंबर का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके बाद लगता है कि अब हमारा समय जा रहा है, हमारे पास हार्डली 3-4 मिनट बचे हैं, 2-3 मिनट बचे हैं, अब हम नहीं कर पाएंगे, तो अब आप क्या करो, अब आप गेस पे आओ, जिसे आप लोग बोलते हो तुक्का, क्योंकि आपने मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर लिया है, 4-5-10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बचता है तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। मेरा सुझाव यह रहेगा कि आप लोग अब सारे प्रश्नों को उठाओ और उस पे आप कोई एक ऑप्शन, खासकर बी या सी, आप बी ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, जनरली आपका क्या होता है, जनरली एग्जाम में यही और दो ऑप्शन सही होते हैं, तो या तो बी को पकड़ लो या तो सी को पकड़ लो, जितने आपके पास ब्लैंक हैं उन सब पे को क्या कर दो, बी को पकड़ दो, ब्लैंक कर दो, क्योंकि 4 में से कोई एक ऑप्शन तो सही होगा ही, यानी 1/4 प्रोबेबिलिटी सही होगी, 25% सही होने के चांस हमेशा रहेंगे, और अगर किस्मत साथ दिया तो हो सकता है 30-40% सही होंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 10 प्रश्नों में आपने क्या किया, तुक्का लगाया, और 10 में अगर आपका 2 सही हो गया, तो भाई 10 में अगर 2 सही हो गया तो 4 नंबर ये गया, और 6 नंबर का अगर 1/4 जाएगा तो कितना जाएगा आपका, 1.5 ही जाएगा, मतलब कि अभी भी आप प्रॉफिट में हो। अगर 10 में एक भी सही हो गया तो आप 2 नंबर पा जाओगे, और 9 का अगर 1/4 जाएगा तो 9 क्वेश्चन का 1/4 नंबर, मतलब कि आप अभी भी क्या रहोगे, अभी आप इक्वल के पोजीशन में होगे। तो आप ऐसे समझो 10 गेस में अगर 2 भी सही हो जाता है तो प्रॉफिट लॉस सब बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण से आप बचे हुए 2-3 मिनट में उन सारे प्रश्नों का गेस करके और ओएमआर 2 मिनट में क्या कर दोगे, भर दोगे, ये आपका क्या रहेगा, पेपर हल करने का सबसे सही तरीका रहेगा। अब आते हैं, बच्चे पूछता है कि सर क्या लेकर जाना होगा, तो आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, नीला काला बॉल पेन लेके जाना है, साथ में आप एक पासपोर्ट साइज फोटो रख लेना, एडमिट कार्ड में बोला नहीं गया लेकिन कई बार दिक्कतें आ जाती हैं तो वहां पे आनंद फानन ना रहे, आप ये लेके जाना, और जिन बच्चों का आधार आपका अपडेट नहीं है वो आप क्या करना, 2.5 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में पहुंच जाना, और जिन बच्चों का सब कुछ ओके है वो 1/2 घंटे पहले ही पहुंच जाना, लेकिन ऐसा मत करना कि लास्ट आवर में आप 11th आवर में पहुंचो, 15-20 मिनट ज्यादा पहुंचो तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आधार केवाईसी के लिए बच्चे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, ये क्या होता है मैं बता दूं, अभी बहुत सारे जब आप लोग खुले हुए फॉर्म भरा था तो आप लोगों से आधार वेरिफिकेशन करवाया था, बहुत सारे बच्चे उस समय क्या था, आधार उनका अपडेट नहीं था या फिर आधार में कोई त्रुटि थी तो उन्होंने सोचा हम आधार बाद में
में अपडेट करवा दे रहे हैं, अभी हम डीएल या कुछ ये लगा देते हैं, इससे हमारा क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। अब इन्होंने क्या किया कि आधार इन्होंने नेसेसरी कर दिया, और आधार नेसेसरी करने से ऐसे बच्चे जिन्होंने आधार से लगाया था फॉर्म में, उनके एडमिट कार्ड पे ग्रीन से आ रहा है और वहां पे आधार वेरीफाइड दिखा रहा है। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वहां पे आधार वेरीफाइड नहीं दिखा रहा है, तो उनको 2.5 घंटे पहले पहुंचना है, अपना आधार कार्ड लेके जाना है। जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है वो ई आधार यानी कि जो ऑनलाइन वाला होता है उसे डाउनलोड कर लेंगे, वो लेके जाएंगे। और शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके पास आधार नहीं होगा, अगर नहीं होता, किसी भी दशा में नहीं होता, तो आप 10th की मार्कशीट ले लेना और डीएल या पासपोर्ट में से जो भी आपके पास हो वो लेके चले जाना, तो आपका वहां पे क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। इस बात को ध्यान देना, लेकिन 2.5 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है, इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि ये सारी वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया हूं, अब आपको करना क्या है, अब आप कुछ मत करिए, बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, मस्ती में रहिए, दिमाग को पॉजिटिव करिए, अच्छा खाना खाइए। बहुत सारे बच्चे अभी निकल जाएंगे अपना जो उनका जो जनपद है उनमें सेंटर गया उस जनपद के लिए निकल जाएंगे, बहुत सारे बच्चे सुबह निकलेंगे, लेकिन 2.5 घंटे पहले पहुंचना है ऐसे दशा में जहां पे आपका केवाईसी नहीं हुआ है, तो मैं बोलूंगा कि शाम में ही निकल जाओ, रात में निकल जाओ, ज्यादा बेटर है, कोई रिलेटिव के निकल जाओ ज्यादा बेटर है, ताकि लास्ट टाइम में आनंद फानंद आपके साथ ना रहे और आपका दिमाग का टेम्परामेंट क्या रहे वो कूल रहे, वरना पिछले 7-8 महीने 1 साल की मेहनत पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अफवाहों से बचो, बहुत सारे बच्चे अफवाह फैलाते हैं पेपर आउट हो गया, हो गया, आप सारी चीजें छोड़ो, पेपर आप देके आओ, आउट हो जाएगा तो फिर कैंसिल होगा, फिर से एग्जाम होगा, वो सारी चीजें बाद में छोड़ो, आप उस पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप अपने पेपर पे दिमाग लगाओ, आपको अपना पेपर अच्छे तरीके से देना है, दैट्स इट। एक बात अपने आप से बस बोलना कि इस वैकेंसी के, इस वर्दी के, इस जॉब के पहले हकदार आप हो, आपने वो मेहनत किया है, आप डिजर्व करते हो, आपने दिन रात एक कर दिया, दिन रात सपने देखे, आपने सपना देखा, आपके माता पिता देखे और आपके साथ हम लोगों ने सपना देखा है, तो इस सपना को साकार आपको करना है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी निगेटिव थॉट के, दिमाग को पॉजिटिव बनाइए, अच्छे से रहिए और मस्ती से आप अपना पेपर दीजिए, और सबसे बड़ी बात है कि सिलेक्शन लेके आइए, रिटर्न विद फ्लाइंग कलर। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। एक जरूरी चीज और कि यहां पे जब आपका कल पेपर हो जाए तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए, ये 9450006007 और आप 73 ये नंबर ले लीजिए 9129697080। इस नंबर पे आप लोग क्या करेंगे, अपना पेपर, जो भी आपका पेपर होगा वो सबसे पहले आप व्हाट्सएप करेंगे, क्योंकि इस पेपर का एनालिसिस कल आपको सुबह 11:45 पे ही स्टार्ट हो जाएगा और 11:45 पे हम लोग आ जाएंगे लाइव, और यहां से आपका जैसे ही पेपर आता है, किस प्रकार से आपका पेपर हो रहा है, क्या आ रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहा है, तो दूसरे शिफ्ट वाले, दूसरे शिफ्ट छोड़ो, बाकी के 9 शिफ्ट वालों को फायदा मिल जाएगा, तो ये लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग को करना है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद सभी का, आभार।